राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर में स्वर्ण मंदिर द्वारों के भव्य निर्माण कार्यों एवं राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे परकोटा के सबसे नए निर्माण कार्यों के विषय में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। श्री दशरथ नंदन भगवान की जय। श्री कैकई नंदन भगवान की जय। श्री सुमित्रानंदन भगवान की जय। श्री राम जन्म भूमि की जय। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामलला की आज प्रातः 6:30 बजे की सिंगार आरती का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है और प्रभु श्री रामलला की आरती में नित्य नए वस्त्रों से सुशोभित प्रभु श्री रामलला अत्यंत दिव्यतम प्रतीत होते हैं। जन जन के हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामलला के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस दिव्य चैनल में प्रभु श्री राम की दिव्यतम आत्मा का वास है और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं भक्ति भाव से जुड़ें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने आप देख सकते हैं कि दीपोत्सव के पावन पर्व के बीतने के बाद यह राम मंदिर निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है और आप देख सकते हैं कि परकोटा निर्माण कार्यों को काफ़ी तेजी से किया जा रहा है और वर्तमान में राम मंदिर के चारों कोनों पर यहां पर परकोटा के मंदिरों के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और इसके लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में जितने भी तराशे हुए पत्थर कार्यशाला से लाए गए हैं उन सभी पत्थरों को अब परकोटा में लगाया जा रहा है और अभी श्रमिकों की संख्या 800 के आसपास है और पूरी उम्मीद है कि 3 से 4 दिनों के बाद राम जन्मभूमि परिसर में 1500 से अधिक LNT के वर्कर्स या श्रमिक यहां पर निर्माण कार्यों में तेजी से संलग्न होंगे क्योंकि सेकेंड फेज के निर्माण कार्यों को 2025 से पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आप देख सकते हैं यह श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला का सबसे नवीनतम परिदृश्य है और यहाँ पर परकोटा के पत्थरों को तेजी से तराशा जा रहा है। कितनी खूबसूरत बारीक तराशी की जा रही है, अद्भुत है। इसमें मुख्य रूप से अद्भुत रामायण थीम पर आधारित व्याकृतियाँ काफ़ी अधिक हैं, बेहद खूबसूरत और बहुत ही नागर शैली से युक्त व्याकृतियाँ अद्भुत हैं। बहुत ही यहाँ कारीगरों का हुनर बहुत मायने रखता है। इनका वर्षों का जो अनुभव है वह मंदिर निर्माण में काम आ रहा है और मंदिर को भव्य बनाने के लिए इस प्रकार की बारीक तराशी जब आप मंदिर में देखेंगे तो काफ़ी अधिक अद्भुत लगेंगी। अद्भुत है, अद्भुत। पाँच सौ वर्षों का जो संघर्ष था उसका प्रतिफल मिल रहा है। अनुभव
यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिलर की कटाई का काम हो रहा है और यहाँ पर जो भी स्थान खाली है वहाँ पर मूर्तियों के निर्माण कार्यों के लिए यहाँ पर पत्थरों की कटाई की जा रही है और जल्द ही इस पर मूर्तियाँ स्वतः रूप से लगा दी जाएंगी, क्योंकि मूर्तियाँ स्वतः निर्मित होती हैं और यहाँ पर आगरा एवं राजस्थान के कारीगरों द्वारा अनेक प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर ला करके इसी पिलर पर पेस्ट कर दी जाती हैं। कितनी खूबसूरत बारीक तराशी की जा रही है, अद्भुत। सामने आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर लगने वाले द्वारों का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है और यह पूरी तरीके से स्वर्ण से मंडित हैं, यानी स्वर्ण से निर्मित हैं और इनके निर्माण कार्यों में पहले तांबे की परत चढ़ाई गई थी और इस पर दिल्ली की कंपनी के द्वारा इस पर स्वर्ण चढ़ाया गया और यह द्वार काफ़ी अधिक मनमोहक लग रहा है। और राम मंदिर के प्रथम एवं द्वितीय तल में 14-14 द्वार लगाए जाएंगे, यानी संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर में कुल 42 स्वर्ण द्वारों को लगाया जाना है। और अभी राम मंदिर में जहां सभी श्रद्धालु रामलला के दर्शन करते हैं, अभी उसी परिसर में सारे द्वारों को लगाया गया है, लेकिन अब राम मंदिर के प्रथम एवं द्वितीय तल पर जो भी दीवारों पर द्वार लगाए जाने हैं उसकी प्रक्रिया अब आरम्भ कर दी गई है और इन सभी स्वर्ण द्वारों में लगभग आधे से अधिक तैयार कर लिए गए हैं। राम मंदिर के पहले स्वर्ण द्वार को राम मंदिर के प्रथम तल पर चढ़ने वाली सीढ़ियों से पहले यानी जीने पर लगाया जा चुका है, यानी जहां से सीढ़ियां आरंभ होती हैं वहां पर प्रवेश द्वार पर एक बेहतरीन स्वर्ण द्वार लगाया जा चुका है और आप देख सकते हैं कि स्वर्ण द्वारों की जो आभा है कितनी अधिक मनमोहक है और इसमें रामायणकालीन आकृतियों को और पशु पक्षियों से एवं नागर शैली के अनुरूप आकृतियों को यहाँ पर प्रमुखता दी गई है और कितने सुंदर ढंग से यह पूरी तरीके से स्वर्ण मंदिर द्वार काफ़ी अधिक मनमोहक लगते हैं और इनको इतने बेहतरीन ढंग से सजाया गया है कि मानो स्वर्ण द्वार की आभा से संपूर्ण राम मंदिर का आंतरिक परिसर स्वर्ण की आभा से जगमगा उठा हो। और राम मंदिर के स्वर्ण द्वार राम मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता हैं और सबसे पहले इनके द्वारों के निर्माण की प्रक्रिया को जानते हैं। और सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला के बगल राम कथा कुंज में इन द्वारों के निर्माण कार्यों को संपन्न किया गया और यह अत्यंत गोपनीय ढंग से इन सभी द्वारों के निर्माण कार्य हुए और इसके लिए तमिलनाडु एवं तेलंगाना के कारीगरों की टीम राम जन्मभूमि कार्य सेवकपुरम कार्यशाला में वहां पर 24 घंटे मौजूद थी और लगभग 11 माह की अवधि में इन्होंने द्वारों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया। और राम मंदिर में 14 द्वारों के निर्माण कार्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूर्ण कर लिए गए थे, लेकिन राम मंदिर के फर्स्ट एवं सेकंड फ्लोर के द्वारों के निर्माण कार्य अभी भी शेष हैं और जिसमें 28 द्वारों में से लगभग 13 से 14 द्वारों के निर्माण कार्य अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं। अब उनको स्वर्ण मंडित किया जाना है, लेकिन 4 से 5 द्वार अभी बिल्कुल तैयार हो उठे हैं और जिनको राम मंदिर परिसर में तेजी से लगाया जा रहा है और इसके लिए कुशल श्रमिकों एवं तमिलनाडु के कारीगरों को यहाँ पर बुलाया गया है जो कि यहाँ पर दरवाजों की टेस्टिंग करेंगे और इसके बाद ही इन सभी द्वारों को यहाँ पर लगा दिया जाएगा।
और इस प्रक्रिया में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। मित्रों, प्रभु श्री राम के मंदिर के परकोटा के सबसे नए निर्माण कार्यों एवं राम मंदिर को स्वर्णमंडित द्वारों के निर्माण कार्यों के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो, यदि आपको हमारा कंटेंट जरा भी पसंद आया हो, तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।